हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसमें बच्चों को अगर बात किया जाए 100% में से 70% बच्चों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। बच्चे कहते हैं मैथ सब्जेक्ट बहुत ही हार्ड होता है। तो ये हार्ड यार आपने बनाया हुआ है। कोई भी चीज़ पहले ध्यान से समझो, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती है और कोई भी चीज़ ईजी नहीं होती, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो आज मैंने कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहा हूँ मैथ से रिगार्डिंग, जिससे अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो ट्रस्ट मी, आपका एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। देखो, मैथ में दिक्कत होती कहाँ है, ऐसा ये मत सोचिएगा कि मुझे मैथ्स आती नहीं है। और अगर मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ तो मैथ्स के रिगार्डिंग मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मेरी टिप्स को फॉलो करिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो फॉलो करिएगा, नहीं अच्छा लगता तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए, मैथ्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है कि क्वेश्चन को समझने में बहुत से बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है, ठीक है। एक तो प्रॉब्लम ये हो गई, दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके फाइनल आंसर नहीं आते हैं एग्ज़ाम टाइम में। क्यों नहीं आते, अभी इसको भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो देखो यार, पहले तो ये समझा जाए, देखो हम एग्ज़ाम टाइम से जो पहले जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी एक आदत होती है, अगर मैं 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लगा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.1 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 लगा रहा हूँ, तो हमारी आदत जान तो क्या हो जाती है, हम तुरंत आंसर देखने लगते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन नंबर 2 लगाया फिर आंसर देखा, 3 लगाया फिर आंसर देखा, ना ऐसा ही होता है। और जानते हो, ये जानते हो मुझे, हम लोग को यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग मैथ्स इतना भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आंसर देखा, हमको लगा ओके ओके ठीक है, आ गया आ गया, ठीक है, दूसरा भी देखा आ गया, तीसरा भी आया देखा आ गया। एग्ज़ाम टाइम में होता क्या है, हम लोग लगाए, वहाँ तो हमारे पास आंसर है ही नहीं ना, तो हम मिलाएंगे किससे, तो हम अगल बगल देखने का प्रयास करते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है वहाँ पे, उतना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो मैंने आंसर देख के क्वेश्चन लगाया है ना, या क्वेश्चन देख के आंसर लगाया है ना, क्वेश्चन लगाया देन उसके बाद आंसर लगाया, देखा और मैच कर गया, वहाँ किससे मैच करोगे। इस वजह से क्या होती है, आपकी मैथ्स थोड़ी सी वीक होती जाती है, आंसर आते नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे गिरता जाता है और लास्ट में आप आर्ट्स साइड, कॉमर्स, बायो के साइड क्या कर जाते हो, मूव कर जाते हो। कुछ टिप्स देने जा रहे हैं, अगर उसको फॉलो कर लोगे ट्रस्ट में मैथ को अपने टॉप लेवल पे ले जाओगे, ठीक है। इस टिप्स को ऑलरेडी मैंने फॉलो किया है और इसी से थोड़ी बहुत मुझे मैथ आती भी है, ठीक है। तो देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो, जैसे सपोज करो 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में मैं फंस गया, ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसको लिख देना मोस्ट IMP। क्यों लिखना है? देखो, टीचर कभी भी, या फिर क्वेश्चन ऐसे ही बोर्ड में आते हैं या फिर टीचर ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा टीचर या बोर्ड कि आप 20 में 20 लगा डालो 5 मिनट के अंदर, नहीं ना, कुछ टेक्निक होगी। कुछ टीचर्स के फेवरेट क्वेश्चन होते, कुछ बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन होते, वो हमेशा रिपीट होते हैं, ठीक है, ये जान लेना। कभी भी आप CBSE के बोर्ड के पेपर को देखोगे तो CBSE का एक फिक्स पैटर्न होता है, ठीक है, हमेशा फिक्स पैटर्न हो। अगर आप वहाँ से उस क्वेश्चन को निकाल लोगे ना, आपको समझ में आने लगेगा कि एग्जैक्टली कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, फिर सपोज करो, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपका, उसका आंसर नहीं आ रहा, तो उसको कुछ नहीं करना है यार, आप क्या करो, उसको मोस्ट IMP लिख लो, एक अलग पेज लो, पेज शीट लो, उस क्वेश्चन को वहाँ पे लिख लो, ठीक है, ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 अगर आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 लगाया और मेरा हो गया, ओके, उसको ख़त्म करो। क्वेश्चन नंबर 3 लगाया, हो गया, ठीक है, 4 लगाया, हो गया, 5 लगाया, नहीं हुआ, उसको भी उसी शीट पे लिखो, ठीक है, उसी शीट पे लिखो। और आप ऐसे 10-10 क्वेश्चन का क्या करो, सेट बनाया करो। जब ध्यान समझिए फिर इस चीज़ को, कि एक बार में 10 क्वेश्चन लगाइए या 5 क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, जिन क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाते हैं, जिस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाते हैं, मैच कर जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को क्या करिए, मैच कर जाते हैं, उसको क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। और जिन क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिलते हैं, रॉन्ग होते हैं ना, आपको क्या करना है, उसको क्या करना है, मोस्ट IMP लिखना है और एक अलग से पेपर की शीट बना लेनी है। उस शीट को बनाओ, जब भी आप पढ़ने बैठो, जब भी मैथ लगाना हो, तो पहला काम करो आप मैथ लगाने से पहले, आप उस शीट को क्या करो, सॉल्व किया करो। यार ट्रस्ट मी, इतना मैं तुमको बिलीव देता हूँ, इतना बिलीव है मेरे, मुझे, मैं अपनी बातों पे, कि अगर ऐसा फॉलो करोगे ना, क्वेश्चन तभी आपके लिए इजी
और या टफ बनता है जब आप अगर किसी चीज़ के पीछे भागने लगो तो इजी बन जाएगा, दूर भागोगे तो टफ बन जाएगा। आप 10-10 क्वेश्चन का क्या करो, सेट बनाओ और 10 क्वेश्चन में देखो कितने क्वेश्चन मेरे आ रहे हैं कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे, वो आंसर में ही देखना है, ठीक है। आंसर 10 क्वेश्चन बनाने के बाद ही आपको देखना है, ठीक है। तो ये हो गया, फिर आप क्या करो, मैथ को कम से कम आप 1.5 घंटे दो, ठीक है। देखो पहले तो ये जान लो, मैथ एक रात में लगाओ बैठ के, अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छा, आपकी नींद भाग जाएगी, अगर नहीं आया तो बहुत अच्छी नींद भी आएगी। तो स्टार्टिंग आप क्या करो, कुछ क्वेश्चन लगाओ, जब 2-3 बार आप लगाओगे तो आप डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और उस शीट को सबसे पहले लगाओ। क्यों? क्योंकि अभी वो हार्ड क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको नहीं आ रहे, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड होगा। देन उसके बाद क्या होगी, आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी क्या होती जाएगी, इसी तरीके से सॉल्व होती जाएगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा, मेरी बातें भी समझ में आएगी। आंसर के पीछे मत भागो, ठीक है, बार बार आप आंसर देखोगे वहीं फंस जाओगे। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी यार तो चैनल क्या कर दो, लाइक जरूर कर दो और कमेंट बताओ ये चीज़ कि सही मैंने बताया है कि गलत बताया, यही प्रॉब्लम फेस करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। चलो बाय।